प्रतिशत वोट मिला है। यह देखते पहले बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी का वोट शेयर बहुत बड़ा है। शिव, मैं आपके पास आऊंगा इसको लेकर। बीजेपी का वोट शेयर 9.7% से बढ़कर 24.9%, मतलब लगभग 25% हो गया है। कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो मेजर कम हुआ है, 40% से घटकर करीब करीब 15.5%। आम आदमी पार्टी, जिसे पिछले चुनाव में करीब 7.5% वोट मिला था, हमारे ओपिनियन पोल में 28% उसको वोट मिल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, बीजेपी को 24% और 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 28% और सीटें, देखिए आप 11। शिरोमणि अकाली दल, पिछली बार इनको 27% वोट मिला था, इस बार 15% और अदर्स 0.68%। जी, और कैथल से, हरियाणा से हमारे एक दर्शक हैं, वो सीट के बारे में जानना चाहते हैं, कैथल सीट के बारे में। तो कैथल सीट के बारे में बताएंगे, हरियाणा की कैथल सीट पर क्या है समीकरण। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ अजय उपाध्याय जी मौजूद हैं। आप इतने आंकड़ा निकालें इसके बारे में आपसे जानेंगे। लेकिन इस बीच अजय उपाध्याय जी, क्या पंजाब में गठबंधन ना करना आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है? उमेरा जी, पहली बात तो जो आपने ये दिखाया है ओपिनियन पोल, ये जनता का ओपिनियन पोल नहीं मुझे लग रहा, ये भारतीय जनता पार्टी का ओपिनियन पोल है। ठीक है, एक कहीं ना कहीं प्रयास है कि मोदी जी को फिर से स्थापित करें, लेकिन इस बार साहब नहीं आएंगे। पंजाब की बात कर लें या बिहार सर, में आपको तो थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट करना चाहूंगा, आपको बड़े बड़े सर सम्मान में करेक्ट करना चाहूंगा। सर, ये ओपिनियन पोल देश के 2 लाख लोगों का है, मैं आपको बस ये फैक्ट बता रहा हूँ, एक नंबर सुन लीजिए, प्लीज गो एड बताइए। 2 लाख में 20 लाख लोगों का है, 90,000 लोगों का है, तो 19 लाख भाजपा के लोगों से आपने ओपिनियन पोल करवाया है, जो सर्वे एजेंसी आपकी है। मैं आप पर प्रश्न नहीं लगा रहा हूं, आपका ठीक है, आपको जो करना है आप कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। चुनाव का रिजल्ट आएगा और आप भी देखेंगे। बिहार की बात मैं 10 सेकंड में पहले खत्म करूं। बिहार में आपने कहा कांग्रेस को ये सीट आएगी, आरजेडी को आएगी। आपको पता है कांग्रेस को अभी कितनी सीट मिली है अलायंस में, फिर आपको कैसे ओपिनियन पोल मिल गई? दूसरी बात, नीतीश कुमार को क्या 15 सीट भी मिल पा रही है? केसी त्यागी से पूछ लीजिए जरा। तीसरी बात, जो एक केंद्रीय मंत्री हैं उन्हीं न्याय की मांग कर रहे हैं पारस जी, हाजीपुर से वो लड़ने वाले हैं। अजय जी, हम लगातार ये बता रहे हैं कि आज की तारीख में क्या स्थिति है, फर्जी कार्ड आज की तारीख में क्या स्थिति है, हम वो बता रहे हैं। आज के ये तस्वीर बदलेगी तारीख में, तो हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे जो बदलेगी। सुमेरा जी, आज की तारीख में 10 सेकंड आज की तारीख में इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में आप जरा चर्चा करके पब्लिक से पूछ लीजिए। आज की तारीख में इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर आप जानकारी नहीं दे रहे हैं, आज की तारीख में आप गठबंधन नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना चाहता हूं, ये 20 लाख लोगों का ओपिनियन पोल है। मेरे साथ आदिल जी जुड़ चुके हैं, आदिल जी को प्लीज लेके आइए, आम आदमी पार्टी से। आदिल जी, पंजाब में एकदम टेक्टोनिक चेंज दिखाई दे रहा है, पंजाब में एकदम मेजर शिफ्ट दिखाई दे रहा है। आपकी पार्टी हमारे ओपिनियन पोल में पंजाब में एकदम, जिसको कहा जाए, थंपिंग विक्ट्री दिखाई दे रही है। देखिए, पंजाब के अंदर भगवंत मान साहब की सरकार जिस तरीके से 24 घंटे काम कर रही है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, आज हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 2 राज्य हैं जहां 24 घंटे अनकट बिजली आती है और फ्री बिजली आती है, उसमें दिल्ली और पंजाब है। किसानों को फ्री बिजली मिल रही है, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। शिक्षा के उसमें क्षेत्र में जिस तरीके से दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक बदलाव हुआ है, पंजाब भी शिक्षा में ऐतिहासिक बदलाव कर रहा है, बदल रहा है। पंजाब के अंदर मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह खोले जा रहे हैं, पंजाब के अंदर दवाइयां फ्री दी जा रही हैं, पंजाब के अंदर लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, पंजाब के अंदर लोगों को व्यापार दिया जा रहा है। जो व्यापारी पंजाब को छोड़कर चले गए थे वो पंजाब में वापस आ रहे हैं। तो आज हर क्षेत्र में भगवंत मान की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ऐतिहासिक काम कर रही है। और मुझे लगता है कि जो 2 सीट आप दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये 2 सीट भी आम आदमी पार्टी के खाते में जाने वाली। मुझे एक बात बताइए, पंजाब के लोग, एक बात बताइए, देखिए इस जो ओपिनियन पोल में हमने किया है उससे तो लग रहा है कि आप लोगों का डिसीजन एकदम ठीक है अकेले जाने का, लेकिन क्या इन द रेट्रोस्पेक्ट
आपको ऐसा नहीं लगता है एक बड़े गोल के लिए आपको कांग्रेस के साथ होना चाहिए था पंजाब में भी? मैं एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, पंजाब के अंदर पंजाब की आम आदमी पार्टी की यूनिट और कांग्रेस की पंजाब की यूनिट ने मिलकर तय किया था कि हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पंजाब के अंदर आम आदमी